नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत, आपका अपने चैनल रियलिटी मैग्नेट यूट्यूब चैनल है हमारा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इस चैनल के द्वारा आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो लैंड की मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं आज आपको उस एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना जा रहा हूँ जो विकास नगर चक्राता हाईवे से कनेक्टेड है, मेन चक्राता रोड से मात्र 125 मीटर की दूरी पे ये कनेक्टेड है 20 फीट की सड़क से। और ये इस ज़मीन की खासियत ये है कि ये पूरी एक 31 बीघे का एक सिंगल पैच है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक 18.5 बीघे का है जो प्योर एग्रीकल्चर लैंड है और एक 12.5 बीघे का है जिसमें आपका लगभग 10 बीघा नॉन एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे जैसा लगता है, जिस तरह से ये हाईवे से कनेक्टेड है, आसपास में पेट्रोल पंप, सरकारी ऑफिसेज, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, शॉप्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी एडवेंचर कैंप एक्टिविटी, आप कोई बैंक्वेट हॉल से रिलेटेड, कोई मैरिज से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई अगर आश्रम या फिर योगा सेंटर या फिर कोई इस तरह की बड़ी एक्टिविटी, आप कोई रिजॉर्ट से रिलेटेड कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का कुछ भी लार्ज स्केल में अगर कोई यहाँ पे कुछ करना चाह रहा है जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है हाईवे से और चारों तरफ फॉरेस्ट है, तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से लगता है। तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें और आई विश, मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचे जिनको ये इस तरह की ज़मीन की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए प्लीज़ जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो भी रियलिटी मैग्नेट का वीडियो देखते हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को, इस चैनल को अपने फेसबुक पे या अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। और दिनों दिन मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहूँगा। और हमारी जो वर्किंग करने का तरीका है, काम करने का तरीका, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो आप बिल्कुल डाउट मत करना। आपको मैं हर तरह से सेटिस्फाई करके ही फाइनली आपसे जो भी कुछ हम बुकिंग अमाउंट्स या जो भी फाइनल डील हमारी होगी, तो आफ्टर सेटिस्फेक्शन, उससे पहले हमारी कोई एक्सपेक्टेशन या डिमांड नहीं होती। हम आपको फ्री में कंसल्टेंसी देते हैं, सर्विसेज देते हैं, ये हमारा काम है बेसिकली। इसे चक्राता हाईवे कहते हैं, चक्राता। ये शिमला, पांवटा साहिब, चंडीगढ़, अम्बाला, वहाँ जाने का ये हाईवे है देहरादून से। इस रोड पे कई सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ग्राफिक एरा बन रहा है अभी एक नया, और शिमला बाईपास भी यहाँ से कनेक्टेड है डायरेक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड है ये और काफ़ी हैपनिंग भी है। इसी रोड पे विकास नगर सेला कोई, जो यहाँ का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, वुडलैंड का भी फैक्ट्रीज़ है और कई सारे प्लास्टिक, ग्लासेस, हर प्रकार का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये आपका राइट साइड में उत्तराखंड यूनिवर्सिटी चली जाती है, इसको सुद्धो वाला चौक कहते हैं। इस रोड पे आपको रेस्टोरेंट, ढाबे, शोरूम्स सारे मिल जाएंगे। तो आज आपको एक साइट दिखाने जा रहा हूँ, वो बेसिकली एक 31 बीघे का साइट है और उसमें कोई अगर एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहता हो या कोई स्कूल खोलना चाहता है, कोई बड़ी प्लानिंग है, उसके लिए ये लैंड है बेसिकली। रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल रेट है अकॉर्डिंग टू दी मार्केट। मेन रोड पे तो करोड़ में अवेलेबल है बीघे में लैंड, बट वो मेन रोड से मात्र 100 मीटर अंदर है। पेट्रोल पम्प, एवरीथिंग, मतलब ये बिल्कुल डेवलप्ड एरिया है, अब ये समझ लो। देहरादून में डेवलप्ड एरिया में लैंड का क्या कॉस्ट है वो नॉर्मली पता ही होगा आपको, करोड़ में है, बट ये हाईवे के पास होने के बावजूद भी काफ़ी बजट में आपको ये लैंड अवेलेबल है। कोई डेवलपर प्रोजेक्ट करना चाहे उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जो ज़्यादातर लोग लैंड परचेस कर रहे हैं वो इसी क्षेत्र में परचेस कर रहे हैं, क्योंकि विकास नगर का एरिया आता है ये और विधानसभा सहसपुर है,
आपको पानी का कनेक्शन चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, वो सारे सरकारी दफ्तर यहीं पे हैं। ये बजरंग बली का बहुत बड़ा सिद्ध हनुमान मंदिर है राइट हैंड साइड में। अगर आप इस रोड पे आ रहे हो तो यहाँ पे बजरंग बली के दर्शन जरूर करें। ये चलता हुआ हाईवे है, बिल्कुल ट्रैफिक है काफ़ी, और इससे कनेक्टेड आपको कई सारे एरियाज मिल जाएंगे, जैसे भाऊवाला, लांगा, छरबा, ऐसे कई सारे जोन्स हैं जहाँ पे लोग आजकल लैंड्स वगैरह का प्लॉटिंग वगैरह चल रही है और कई सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कई सारे होटल रिजॉर्ट्स भी खुल रहे हैं इसी जोन में। क्योंकि वो राजपुर रोड वाली जोन वो काफ़ी महंगी हो चुकी है और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत रश हो चुका है, अब वहाँ ज़मीनें उपलब्ध नहीं है, अगर है भी तो करोड़्स में है। वहाँ 70,000, 80,000, 50,000, 40,000 रुपये गज के रेट्स हैं, यहाँ पे आपको कम में मिल जाता है 5,000, 4,000 रुपये गज से लेके 10,000, 12,000 रुपये गज के लगभग आपको यहाँ पे आवासीय प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप लैंड लेना चाहते हैं बड़े लेवल पे, थोड़ा फार्म हाउस या कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो वो आपको बजट में मिल जाता है। ये देखिए बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, कुकरेजा इंस्टीट्यूट आगे है, ददून पब्लिक स्कूल एक बहुत बड़ा हेरिटेज स्कूल है वो भी इसी रोड पे है, तुलाज इंटरनेशनल, और कई सारे सेला कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी इधर ही है। गेटेड कम्युनिटीज भी हैं इस रोड पे, कई सारे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं और चारों तरफ ग्रीनरी है, हाईवे है, बीच में जंगल है, तो ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है इस रोड पे। यहाँ इस रोड से मैक्सिमम जो ट्रैफिक आती है वो ज़्यादातर चंडीगढ़ साइड से, पंजाब से, और जो विकास नगर के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं या पांवटा साहिब, वो लोग ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर। और ज़्यादातर जो रजिस्ट्रियाँ होती है अब देहरादून में, पछुआ दून, मतलब बैक साइड ऑफ दून, मेन दून जो फ्रंट दून है उसके बैक साइड को उसको पछुआ दून कहते हैं, जो विकास नगर तहसील से जिसकी रजिस्ट्री होती है, वो लोग यहीं विकास नगर के लिए इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं मेजरली। ये तुलाज इंस्टीट्यूट है राइट लेफ्ट हैंड साइड में, बोर्ड देख सकते हैं। ये माँ काली का मंदिर है, इसको डांट काली मंदिर कहते हैं। इस रोड पे आपको हमेशा फ्रेश फ्रूट्स या जूसेस के छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे। एलाकोई का मार्केट है, काफ़ी भीड़ भाड़ है, हर प्रकार की दुकानें आपको यहाँ मिल जाएंगी, जो भी सामान चाहिए होता है लोग यहाँ आते हैं मार्केटिंग करने। और इंडस्ट्रियल जोन होने की वजह से चीज़ें सस्ती भी मिल जाती है, काफ़ी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है वो भी चीज़ें यहाँ बिकती है, हार्डवेयर का सामान हो या क्रॉकरी का सामान हो या इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कम कीमत पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। काफ़ी बड़ा एरिया है सैला कोई, और पेट्रोल पम्प भी यहाँ पे है। ये सिडकुल है, सिडकुल सैला कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिडकुल कहते हैं इसे। ये राइट साइड में जितनी भी आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही है वो सारी सैला कोई की फैक्ट्रीज हैं, और इसलिए यहाँ पे काफ़ी रश होता है। जैसे नोएडा में आपका NACZ है, वैसे ही ये जगह है, यहाँ पे भी आपको काफ़ी फैक्ट्री लगाने का फ़ायदा मिलता है, सब्सिडी मिलती है, तो काफ़ी सारे जो बिजनेस क्लास के लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। और जब ये सैला कोई बन रहा था तो उस समय काफ़ी बेनिफिट दी जा रही थी लोगों को ज़मीन खरीदने की, इसलिए यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आके अपने सेटअप लगा चुकी है। अब हम सैला कोई क्रॉस कर चुके हैं, अब हम सहसपुर की तरफ जा रहे हैं। सहसपुर विधानसभा है बेसिकली, जितने भी ये पछुआ दून जो विकास नगर से रजिस्ट्रियाँ होती है, जितने भी विलेजेस हैं, इन सारे विलेजेस का विधानसभा सहसपुर है। तो ऐसे कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आपको इस रोड पे हाईवे के दोनों तरफ दाएं बाएं में मिल जाती है, इसलिए लोग इस एरिया में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं। रीजनेबल कॉस्ट भी होता है और अच्छी पढ़ाई भी होती है, और साथ साथ में इंडस्ट्रियल जोन होने की वजह से बिजनेस क्लास लोग भी यहाँ पर अपना फार्म हाउसेस, रिजॉर्ट्स बना के रह रहे हैं, अपनी फैक्ट्री भी चला रहे हैं साथ साथ।
तो अभी हम सहसपुर क्षेत्र में है, ये भी काफी भीड़भाड़ वाला एरिया है सहसपुर, और इसके साथ काफी सारे विलेजेस लगते हैं जैसे छरबा, लांघा, आपका बीर सैनी, तिलवाड़ी रोड, भाव वाला, ये सब यहाँ से कनेक्टेड है कोई 8 किलोमीटर पे, कोई 10 किलोमीटर पे। तो मैं जिस लैंड की बात कर रहा हूँ जो मेन हाईवे से कनेक्टेड है, वो मात्र 100 मीटर अंदर है मेन रोड से, और पूरा एक 31 बीघे का एक पूरा एक बड़ा प्लॉट है, बड़ा लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। उसमें 10 बीघे का 143 कन्वर्जन हो चुका है। तो अगर कोई स्कूल या कोई इस तरह की एक्टिविटी करना चाहता है तो 10 बीघे में आराम से अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है, और बाकी जो बैलेंस लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड को एज एन गार्डन और जो भी आप बनाना चाहें उसमें कोई एक्टिविटी करना चाहें वो कर सकते हैं। 2 मिनट की दूरी पे हम अपने साइट पे पहुंच जाएंगे। खूबसूरत हाईवे, काफी हैपनिंग जगह है। सारी सुविधाएं मौजूद है यहाँ पे। 300 मीटर की दूरी पे हम अपने साइट पे पहुंचने वाले हैं। अपने इन हाईवे से अंदाजा लगा ये एंट्री है इसकी। यू हैव अराइव्ड। अप्रोचिंग रोड 20 फीट की है, साइड तक अप्रोच है ये पूरा, यहाँ तक आबादी है, ये लास्ट मकान है, फिर ये कच्ची सड़क शुरू जाती है जो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट रोड है, पर्टिकुलरली लैंड तक जाने का ये सड़क है। 143 अप्रूवल्स मिलने का कारण है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी है, सरकारी कनेक्टिविटी है, अदरवाइज 143 अप्रूव्ड नहीं हो पाती है। जनरली बहुत लोग कोशिश करते हैं। तो खासियत यह है कि ये देखिए जंगल के बीच में है और मेन हाईवे से मात्र 100 मीटर की दूरी पे, तो ये हमारी एंट्री हो गई साइट की। ये देखिए साइट है, ये बेहतरीन साइट, बेहतरीन लोकेशन। तो ये साइट है, ये 12.5 बीघे का पूरा एक सिंगल पैच है, यहाँ से इसकी बाउंड्री शुरू होती है, ये पूरा पैच है, ये बिल्कुल एंड तक। जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये चारों तरफ फॉरेस्ट है, साल का जंगल है, बांस का फॉरेस्ट है पूरा, बैम्बू ट्रीज हैं, और अभी फिलहाल इसमें खेती हो रही थी, अभी अभी फसल काटी गई है और दोबारा से खेती की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि लैंड ऐसे खाली छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोकल जो नियरेस्ट गाँव वाले हैं या केयर टेकर है वो यहाँ पे एटलीस्ट कुछ फसल उगा लेता है, इस वजह से यहाँ पे खेती के लिए ये जगह दी गई है। और ठीक इससे लगती हुई 18.5 बीघे का दूसरा लैंड है, बीच में ये पिलर्स हैं आप देख सकते हैं, ये इसकी ह्यूज एंट्री है, ये इसकी बहुत ही खूबसूरत और ह्यूज एंट्री है। बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जा सकता है, कोई एडवेंचर कैंप, कोई जैसे चौकी धानी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे प्लान की जा सकती है। ये पूरा बागीचा है अमरूद का, इवन कोई ये ज़मीन खरीद रहा है तो उसके उसे इस ज़मीन के साथ ये पूरा का पूरा बागीचा मिल जाएगा। इसका गूगल लोकेशन भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा, आपको उसका पूरा एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह ओवल शेप में, बिल्कुल राउंड शेप में ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, और चारों तरफ से पूरी जंगल की बाउंड्री है, बहुत ही बेहतरीन फेंसिंग की गई है यहाँ पे जंगलों से।
अगर हम बात करें तो ये एक सेपरेट 12.5 बीघे का एक पैच है। ये जो पिलर्स लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं, ये खंबे से लेके राइट हैंड साइड की जो प्लेन ज़मीनें नज़र आ रही है आपको, ये पूरी ज़मीन वहाँ से एंड से लेके वो जंगल का जो जहाँ लास्ट कॉर्नर है वहाँ से लेके ये पूरा, ये इसकी एंट्री है, ये 12.5 बीघा है कंप्लीट लैंड। तो अगर कोई 12.5 बीघा लेने में भी इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ठीक इस पिलर के लेफ्ट हैंड साइड में ये जो अमरूद का बगीचा नज़र आ रहा है, ये पूरा एंड तक, अभी मैं आपको एंड नहीं दिखा सकता, बिल्कुल अंदर है, तो ये मैं आपको गूगल लोकेशन में दिखा सकता हूँ, ये 18.5 बीघा है। तो दोनों को मिला के 31 बीघा ज़मीन है ये टोटल। तो दो लोग मिलकर भी ले सकते हैं, 10 लोग भी मिलकर ले सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये एग्रीकल्चर लैंड है 18.5 बीघा, और 12.5 बीघा में 10 बीघा आपका 143 कन्वर्टेड लैंड है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बड़ी ज़मीन का, मेन हाईवे पे, चकराता हाईवे पे। ये इसकी एंट्री है फॉरेस्ट के बीचों बीच, मेन रोड से मात्र 100 मीटर के आसपास, 100-125 मीटर अंदर है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको भी ये इस तरह का लैंड की जिनको भी इस तरह के लैंड की रिक्वायरमेंट है, वो मुझसे ज़रूर संपर्क करेंगे, वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। और बहुत ही रीज़नेबल रेट है अभी फ़िलहाल इसकी जो कॉस्टिंग है, 12.5 बीघे का अगर आप ये लैंड परचेज करते हैं तो आपको below 40 lakhs की डील मिल जाएगी। और अगर आप पूरी लैंड की डील करना चाहते हैं 31 बीघे का, तो आपको below 38 lakhs नेगोशिएबल है कि डील मिल जाएगी। दैट वुड बी डिस्कस ऑन फ़ोन, क्योंकि अल्टीमेटली मेन रोड पे ऑप्शंस बहुत कम है, और ये पूरा एक चलता हुआ हाईवे है, मेन रोड है, विकास नगर चकराता हाईवे, जिसे आप देहरादून और आप मसूरी भी कनेक्ट कर सकते हैं बड़ी इजीली, और इधर से आप पौंटा साहिब और सारी जो आपके पंजाब के सारे मेन लोकेशन है, चंडीगढ़, अम्बाला, ये सारी कनेक्टिविटी इसी रोड के साथ कनेक्टेड है। तो यू कैन प्लान सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एक्टिविटीज़ ओवर हेयर इन दिस लोकेशन, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। आप मेरे बैक साइड में पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा लोकेशन है, ये देखिए, यहाँ से इसकी एंट्री होगी।